ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित बहुत बड़ी नई जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों। यदि आप परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको पास होने का बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। और साथ में आप कठिन सब्जेक्ट ले लिए हैं और उस विषय में नहीं निकल पा रहे हैं तो आप लोगों को एक फॉर्म भरना होगा जिसे बोलते हैं विषय परिवर्तन फॉर्म। जब हम लोग परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो हम लोग 5 सब्जेक्ट इसमें चूज़ करते हैं ओपन परीक्षा में, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो। अब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, किसी कारणवश एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं, है ना, फिर दूसरे बार चांस परीक्षा में बैठते हैं अवसर में फिर फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो निराश छात्र हैं उनको जो फेल हो रहा है होते जा रहे हैं वे निराश हो जाते हैं कि अब मुझे परीक्षा दिलाना ही नहीं है, है ना। तो आप क्या करें कि जो विषय कठिन लग रहा है उस विषय को आप हटाकर दूसरा विषय भी ले सकते हैं। इसमें ओपन परीक्षा में ऐसा मौका दिया जाता है कि स्टूडेंट अगली परीक्षा में अपना विषय को बदल सकता है। इसमें कुछ शुल्क लगता है जिसको आप एक फॉर्म भरकर उस शुल्क को जमा करते हैं तो आपका जो कठिन विषय उसके जगह आपको जो और सरल लग रहा है उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी जानकारी आप सभी के लिए, ये जानकारी आप लोगों को, है ना, और दूसरे चैनल में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा नई जानकारी लेकर आता हूँ, ठीक है, और नई जानकारी के साथ हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ आप सबके हेल्प के लिए, सहायता के लिए। और यदि आपका परीक्षा सेंटर आपके गाँव से बहुत दूर पड़ रहा है किसी भी कारणवश तो आप परीक्षा केंद्र को भी परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी दूसरे परीक्षा केंद्र में आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ऐसे देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक विषय परिवर्तन करके लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, इसको क्लिक करना है और ये फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आप इसको देखिए एक बार, ये प्रारूप है, इस फॉर्म को आपको भरना है। अब मैं इसको आप इसको स्वयं भर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए विद्यार्थी का नाम है पहला कॉलम, ठीक है, ये विद्यार्थी अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, नामांकन क्रमांक आपके रिजल्ट में लिखा रहता है, प्रवेश जब लिया जब वो सन को लिखना है, अध्ययन केंद्र का नाम जहाँ आप परीक्षा दिलाए उस अध्ययन केंद्र का नाम, विषय परिवर्तन कौन कौन सा विषय करना है, कोई भी 3 विषय आप परिवर्तित कर सकते हो। प्रति विषय हाई स्कूल 200 रुपये और हायर सेकेंडरी स्कूल 250 रुपये लगता है, है ना। आप जितना जैसे एक विषय बदले तो 200 रुपये लगेगा, 2 विषय में चेंज करना है तो 400 और 3 विषय करेंगे तो 600 लगेगा, ठीक। तो इसमें यहाँ पर विषय पूर्व में चयनित विषय और कोड लिख देना है, ठीक, विषय कोड हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी यहाँ पर विषय कोड डाल देंगे। और परिवर्तन हेतु विषय, अब जिस विषय को आप लेना चाहते हैं तो उस परिवर्तन वाले विषय को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, हस्ताक्षर आवेदक बस कर देना है, है ना, आप हस्ताक्षर कर देंगे और पत्र व्यवहार का पता लिख देंगे बस। तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करके डाल सकते हैं। इसी प्रकार, है ना, परीक्षा सेंटर को चेंज करना है आपको तो देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हाई हायर सेकेंडरी केंद्र परिवर्तन फॉर्म मिलेगा, इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सब फिर से वैसे ही नाम लिखना है, परीक्षा सेंटर यानी एग्जामिनेशन सेंटर को सीधे सीधे चेंज करना है। भाई मैं जो है बिलासपुर में था, मैं रायपुर आ गया, या बस्तर में था रायपुर आ गया, यानी कहीं पर चला गया स्थानांतरित होकर, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करके जहां आपको परीक्षा दिलाना है वहां पर ले जाके इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है खाली, ठीक है। तो विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, पिता का नाम, नामांकन क्रमांक सब लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन केंद्र का नाम, पूर्व में चयनित केंद्र, चयनित केंद्र का नाम यहाँ पर लिख देंगे आप लोग, ये देखिए इसे पूर्व में चयनित केंद्र का नाम आपको लिखना है। अब जहाँ पर आप परीक्षा दिलाना चाहते हैं उस केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे, ठीक है। और केंद्र परिवर्तन करने पर आपको 500 रुपये हाई स्कूल के लिए लगता है तो यहाँ पर 500 रुपये शुल्क आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो नाम वगैरह को अच्छे से साफ सुथरा राइटिंग में लिखेंगे, ठीक। और हस्ताक्षर आवेदक, यहाँ पर आप अपना, है ना, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, नाम लिख देंगे, पता लिख देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे,
तो आपका जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने फॉर्म कैसे भरना है उसका नमूना आपको बता दिया यहाँ पर, ये देख लीजिए, नाम वगैरह को अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप अपना विषय भी चेंज कर सकते हैं और एग्ज़ाम सेंटर को भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। जब भी आप परीक्षा दिलाएं तो एग्जामिनेशन सेंटर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई भी अपने पास का एग्जामिनेशन सेंटर लिख सकते हैं, और विषय बदलना है तो आप उस फॉर्म को भरकर, है ना, विषय परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोग को दी गई हमारे चैनल के माध्यम से, है ना। चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करते जाना है, दोस्तों को शेयर करते जाना है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको आप लोग को करना है। इसका परीक्षा का जो डेट है इस बार 2024 में, वो है 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, इसके पहले ही आप लोग सेंटर में जाकर अपना विषय परिवर्तन करा सकते हैं और परीक्षा का सेंटर भी चेंज करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद जानकारी देखने के लिए, और नई जानकारी लेकर अवश्य आऊँगा।